नशे की हालत में खंडेराव कर बैठे बड़ा अपराध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव ने ना सिर्फ इंसाफ की गद्दी का अपमान किया है बल्कि बड़ा अपराध भी किया है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा के आंसू पोंछना, मगर यहाँ पे प्रजा के आंसू तो बहते रहे मगर राजा ने उसी प्रजा पे अन्याय कर दिया, एक बड़ा अपराध करके अपने आप को अपराधी साबित कर दिया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दरबार सजा हुआ है और यहाँ पे मामला आया है राधा अक्का का और लखन सिंह साहूकार का। लखन सिंह साहूकार जो साहूकार है, और साहूकार ये तो सब जानते हैं कि चार चाल ज्यादा ही सोचते हैं। खंडेराव भी जानते हैं कहां आम प्रजा और कहां साहूकार, पहले भी ऐसे साहूकारों से उनका वास्ता पड़ चुका है। और अब तो दरबार में गुन्नू जी भी नहीं है और गुन्नू जी कमान तो कुछ ने संभाली हुई है, यानी कि किसी को तो साहूकार की तरफ से बोलना ही है। तो तुकू जी मामला रखते हैं। यहाँ पे देवी अहिल्या के कहने पे खंडेराव ने वो नशे वाली दवाई नहीं खाई है, इसलिए उनका शरीर जो है उसको मांग रहा है और उनका पूरा ध्यान उसकी तरफ है कि मैंने वो डोज नहीं खाई है, मैंने वो मात्रा नहीं खाई है अभी तक, इसलिए वो केस सुन रहे हैं, लखन सिंह की बात सुन रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। देवी अहिल्या के पूछने पर भी नहीं बता रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका असर क्या है दोस्तों, अगर वो सारी चीजें ध्यान से देख रहे हैं मगर अपने आप को भी देख रहे हैं कि मुझे वो दवा खानी चाहिए, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पहले लखन सिंह की बात सुनी जाएगी, ये पहले आए हैं, दस्तावेज सुने जाएंगे, यानी कि सारी बातें सही कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ये भी ज्ञान होगा कि मैं जिस गद्दी पर बैठा हूं उस गद्दी के साथ मैं क्या न्याय कर पाऊंगा। अगर मेरी हालत ही ठीक नहीं है तो मैं किसी को क्या न्याय दे पाऊंगा, मगर वो उसी गद्दी पे बैठे रहते हैं और आखिर मौका पाके वो दवा लेने चले जाते हैं, वो मात्रा खाने चले जाते हैं। देवी अहिल्या हैरान है कि इस छोटे सूबेदार जी बीच दरबार में कहां चले गए। खैर जब दरबार से आते हैं यानी कि दरबार में आते हैं तो वहां पे हम सुनते हैं कमिंग अप में कि खंडेराव ने फैसला सुना दिया। इतने जल्दी खंडेराव देवी अहिल्या की बात सुने बिना ही फैसला कैसे कर सकते हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले तो हमेशा मौका मिला है देवी अहिल्या को अपनी बात कहने के लिए। पहले भी ऐसे ही मामले आए हैं कि जब दस्तावेज पूरे थे, सब कुछ पूरा था, मगर इंसाफ उनको मिला जिनको मिलना चाहिए था, यानी कि पीड़ित को। तो यहाँ पे पीड़ित साफ दिख रही है और खंडेराव जो देख पा रहे हैं वो सिर्फ वो नशे की हालत में देख पा रहे हैं, वो जल्दी से मामला निपटाना चाहते हैं। तो ये खंडेराव जो उन्होंने किया है ये जघन्य अपराध है दोस्तों। एक ऐसी गद्दी पे बैठना जिस गद्दी पे बैठ के सिर्फ न्याय हुआ है, खुद खंडेराव ने भी किया है, वहां पे बैठ के इतना बड़ा अन्याय करना, एक ऐसी औरत को सजा सुनाना जिसका पति मर चुका है, पति ने आत्महत्या कर ली है वही कर्जा देने के लिए, और वो अपनी बात को साबित नहीं कर सकते, ये खंडेराव जानते हैं क्योंकि साहूकार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। गरीब प्रजा कहां से वो रिसोर्सेज लाएगी, उसके लिए तो ये भी बड़ी हिम्मत की बात है कि वो प्रजा आके दरबार में अपनी बात कह पा रही है, उसने हौसला दिखाया है। अगर उसका हौसला आप नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम तो मत कीजिए। उसने हौसला करके आके दरबार में बात कही है, उस बात को सोचिए, मगर खंडेराव सोचने की हालत में है ही नहीं। अगर खंडेराव वो दवा नहीं खाते, मात्रा नहीं खाते, तो ये न्याय कुछ और ही होता। खंडेराव जरूर पुष्टि करते हो सारी चीज की, सारी बातों की, मगर जो खंडेराव अभी तुकू जी को ये कह के गए हैं कि इनके सारे सैनिकों को जो भी वहां पे है गांव वाले उनको सैनिकों को भेज के बुलाइए, यहाँ पे सारे किसानों को इकट्ठा कीजिए, वापस आते ही पूड़ी खाने के बाद ही वो जो घुट्टी पीते हैं खाते हैं जो भी है वो खाते ही आके वो दरबार में फैसला भी सुना देते हैं कि राधा अक्का को जो है कारावास होगी अगर उन्होंने ये कर्जा नहीं चुकाया। तो बड़ा अपराध है दोस्तों, एक न्याय की कुर्सी पे बैठने वाले इंसान के लिए, राजा के लिए ये बड़ा अपराध है कि एक पीड़ित को उसके पीड़ा दूर ना करने की जगह उसको सजा सुना देना, और एक साहूकार को जो पहले ही पीड़ा दे रहा है उसको और खुला छोड़ देना कि आप जाओ और किसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर करो। खैर देवी अहिल्या ऐसा होने तो नहीं देगी,
मगर एक बार ये जो देखेगी देवी अहिल्या कि ऐसा तो खंडेराव ने कभी नहीं किया जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो देवी अहिल्या सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएगी कि इसके पीछे ये खंडेराव नहीं, ये नीमा जी की गुट्टी है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या निकलता है इसका नतीजा, मगर फिलहाल निराशा हुई खंडेराव का ये हाल देख के। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच फॉर टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।